नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। आज हम आपको उन 10 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं अजय देवगन की, जो इंटरनेशनल सर्किट पे जिसने बहुत अच्छा बिजनेस किया था, और इंटरनेशनल सर्किट पर भी एक अजीब सी पकड़ है इनकी। ये आपको पता चलेगा तब जबकि आप कभी विदेश में जाकर के इनकी फिल्में रिलीज़ होते हुए देखें। मैं न्यूजर्सी में था उस समय जिस समय रिलीज़ की थी इनकी फिल्म सिंघम रिटर्न्स, और बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था फिल्म ने। जगह जगह पर जो है लोग बकायदा फैमिली के साथ तैयार होकर के जाते थे फिल्में देखने के लिए। वैसे नंबर से स्टार्ट करता हूँ, 10 नंबर से। 10 नंबर पे है सन ऑफ सरदार, जिसने करीब करीब 15 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था ओवरसीज़ मार्केट में। नंबर 9 पर है दे दे प्यार दे, जो कि तकरीबन 19 करोड़ 20 करोड़ के अगल बगल का बिजनेस किया था इसने विदेशी मार्केट में। रेड का बिजनेस 20 करोड़ के ऊपर था, और ये फिल्म 2018 में रिलीज़ की थी। 2012 की फिल्म बोल बच्चन जो थी, उसने करीब करीब 22 करोड़ 23 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। सिंघम रिटर्न्स जो कि 2014 की फिल्म थी, उसने करीब करीब 25 करोड़ का बिजनेस किया था। राजनीति जो कि रिलीज़ की थी करीब करीब 2010 में, उसने 19 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। उसके बाद गोलमाल 3 है, ये फिल्म बहुत अच्छी चली थी, 2010 की रिलीज़ की हुई फिल्म थी, और उस समय 20 करोड़ रुपए कमा करके हटी थी। नंबर 3 पर हैं तानाजी ध्यानसंग वॉरियर, जिसने 32 करोड़ रुपए कमाए इंटरनेशनल सर्किट पे। उसके ऊपर आती है टोटल धमाल, जिसने करीब करीब 46 करोड़ रुपीज़ कमाए, इनफैक्ट 46 करोड़ 52 लाख रुपीज़ कमाए थे इसने, टू बी प्रिसाइज। लेकिन अजय देवगन की आज तक की इंटरनेशनल सर्किट की सबसे बड़ी हिट है गोलमाल अगेन, जो कि 46 करोड़ 86 लाख रुपीज़ कमाई थी। ये 2017 में रिलीज़ की थी फिल्म। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है इनकी अगर फिल्मों को आप देखिएगा, तो कॉमेडी फिल्में गोलमाल अगेन, टोटल धमाल, गोलमाल 3, बोल बच्चन, दे दे प्यार दे, और सन ऑफ सरदार में भी कॉमेडी का एलिमेंट अच्छा खासा था। उसके बाद अगर आती है कोई फिल्म, तो आती है सिंघम की जो सीरीज़ है उनकी, सिंघम रिटर्न्स, उसमें जो है इस सीरीज़ में शामिल है। लेकिन उनकी राजनीति, रेड, ये सब इंटेंस फिल्में हैं जो कि इंटरनेशनल सर्किट में बहुत पसंद की गई थी। मैं किसी और दिन आकर के आपको बताऊंगा इन फिल्मों के बारे में कि किस तरह से वो वहाँ पर परफॉर्म की थी, लेकिन अभी तो ये लिस्ट थी टॉप 10 की। और आपको कैसी लगी, आपके हिसाब से जो है अजय देवगन की आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बता दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।